हाई एवरी वन माई नेम इस यूर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम और इस पोम में हम कुछ उल्टी पुलटी बातें करने वाले मतलब अगर ऐसे बहुत बार हम लोगों ने इमेजिन किया है ना और हमने ऐसे क्वेश्चन अपने मम्मा पापा से किए भी हैं कि अगर आइसक्रीम पेड़ पर उगती तो अगर सब लोग आसमान में चलते तो या फिर अगर हम जो है बल चलते तो तो ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन आते हैं तो ये हम एक बात करने वाले हैं जो हम मैरीगोल्ड गोल्ड बुक की जो सेवेंथ यूनिट में हमारी जो पोम है टॉपसी टोवी लैंड इसमें ना सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है और हम उसी लैंड के बारे में बात करने वाले हैं So let's begin this wonderful poem written by H.E. Wilkinson. Now, this is a topsy turvy land. Okay? Ab Now, before we start this poem, we have something to read. Have you ever thrown your school bag on your bed? This is what I all Have you ever left your shoes and socks here and there? ये भी बहुत बार किया है कि कभी यहाँ शूज पटक दिए वहाँ सॉक्स पटक दिए फिर जब मम्मी से डांट पड़ती है तब सब अपनी जगह पे जाता है हैव यू एवर प्लेड विद योर योर बॉल बॉल इन रूम रूम कभी अपने में बॉल से खेला है अच्छा वो बॉल कभी किसी वाज को या किसी ग्लास आइटम को या किसी चीज को पड़ी है जिसके बाद वो गिर गया और फिर डर लगा जोर से क्योंकि अब तो डांट पड़ने वाली है डर रूम समुक लाइक दिस क्या कभी कभी आपका रूम इस तरीके से लिखता है ऊपर से नीचे तक सब उल्टा पुल्टा So if yes, you are definitely going to connect with this poem. So now read about one such upside down land. Upside down land means where ulta is upside down. Okay. So let's begin. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night. इन टॉप सी टोवी लैंड अब टॉप टर्वी का मतलब क्या होता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है अपसाइड डाउन है अब यहाँ क्या क्या होता है ये तो मजेदार बात है द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स मतलब हम पैरों पे चलते हैं वहां पे सब लोग अपने सर पे चलते हैं द सी इज मेड ऑफ सैंड और जो समुद्र है उसमें क्या होता है द सी सी इज इज मेड मेड अप अप ऑफ ऑफ लाइक इट हैज बट दिस सैंड इसमें सिर्फ सैंड सैंड है मतलब जो डेजर्ट में होना चाहिए वो सी में है द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाई नाइट अब घर पे रहते हो रात में स्कूल जाना पड़ता है फ्रंट डोर स्टेप इज एट दैक मतलब अब जो जो फ्रंट डोर होना चाहिए वो एक्चुअली कहा बैक में है तो ये भी उल्टा है

सी में बसेस चल रही हैं बोट्स वाइल्ड मतलब प्लेशर बोट्स मतलब सी में जो बसेस चल रही हैं ठीक है वो सारी वाइल्ड प्लेशर बोट्स अब यहाँ पे प्लेशर बोट्स हैं प्लेशर बोट्स मतलब जो आपकी इंजॉयमेंट के लिए होती है लेकिन बोट्स सी में नहीं चल रही है बोट्स चल रही हैं रोड्स पे टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स बोट्स कहाँ चल रही हैं स्ट्रीट पे चल रही हैं ऑप टॉप सीटर वी लैंड यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट तो आप उस चीज़ के लिए जैसे अगर अभी हम जाते हैं तो इफ़ यू बाई समथिंग वी पे लेकिन हम उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो हम खरीदते ही नहीं हैं आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड फॉर वैन यू गो यूर कमिंग बैक और ये तो बहुत ही बड़ी बात है ठीक है मतलब जब आप जा रहे हो तो वो आप आ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ मतलब इस वक्त मैं आ रही हूँ और इस वक्त मैं जा रही हूँ

एक सच्ची सच्ची बात बताओ कभी ऐसे इमेजिन किया कि ये सब उल्टा पुल्टा होता तो क्या होता सो so, हमारी जो पोइट है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा ही कुछ इमेजिन करके ये पोइट लिखी है पोम लिखी है जिसमें हर कुछ उल्टा पुल्टा है लेकिन ये फीलिंग आपकी मम्मा को डेफिनेटली एवरी अदर डे आती है जब वो आपका रूम देखती हैं अच्छा कितने बच्चे हैं जो अपना रूम एकदम क्लीन रखते हैं और कितने हैं जिनका रूम ऐसे टॉपसी टर्वी लैंड जैसा बड़ा होता है तो मुझे मैसेज करके बताना मैं भी देखूँ मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बड़े ही ऑर्गेनाइज हैं और कितने ऐसे हैं जो एक टॉप टर्वी लैंड बना के रखते हैं अपने घर को सो हेयर वी आर डन विद दिस वंडरफुल फॉर्म और ये पोम बहुत इजी थी इसमें देर आर नो डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ में आने में मुश्किल हो रही हो सो so, अब हम क्विकली देखते हैं इसकी सामरी को एक बार

इट टेल्स अबाउट लैंड वे नथिंग इज नॉर्मल ये हमें एक ऐसी बारे में बात करती है जहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है इन फैक्ट दैट वी लिव इन एवरीथिंग इज द ऑपोजिट ऑफ दैट इन दिस लैंड तो आज अगर मैं जिस तरीके से चल रही हूँ मैं जिस तरीके से रह रही हूँ वो नॉर्मल है राइट यू पीपल आर सिटिंग ओके लेकिन अगर सोचो कि उल्टा होके लैपटॉप को देखना होता है या मोबाइल को देखना होता है तो या मोबाइल आपको जो है मोबाइल आप मोबाइल को ओपन कर दो उसकी जगह मोबाइल आपको ओपन कर रहा होता तो ओ माय गॉड दैट वुड हैव बीन सच अ डिजास्टर नेक्स्ट वन इज इट हैज मेनी अम्यूजिंग थिंग्स मतलब बहुत सरप्राइजिंग थिंग्स हैं इसमें फॉर इंस्टेंस द सी डज नॉट कंटेन वाटर एंड इंस्टेड इट इज फुल ऑफ सैंड सी में पानी नहीं है सी में सैंड है सिमिलरली देर आर मेनी अदर स्ट्रेंज थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस लैंड पोम मैं और इसी तरीके से एक बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पोम में मैंशन की गई है सारी स्ट्रेंज चीजें हैं लाइक हाउ द चिल्ड्रेन जो नॉट गो टू स्कूल ड्यूरिंग द डे जैसे बच्चे स्कूल ड्यूरिंग द डे नहीं जाते ड्यूरिंग नाइट जाते हैं और क्या है फर्दर दाउसेसोर स्टेप एट द बैक जो हाउसेज हैं उनका एक फ्रंट डोर स्टेप है लेकिन वो पीछे है, लेकिन उसे फ्रंट कहते हैं What is the most amusing thing is that in this land people walk on their heads and not on their legs. It is an interesting poem, entertaining poem with hilarious scenarios to think about. As I imagine, what is So, this is very hilarious and full of comedy. So, guys, here we are done with the reading of our poem, explanation, and summary.

When do children go to school in topsy turvy land? अब ये इतने easy, इतने easy questions है ना कि time ही नहीं लगेगा answer करने में Topsy turvy land में school कब जाते हैं बच्चे रात को In topsy turvy land, children go to school at night. Next question है in the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? अब question ये है कि poem में जो बसेस हैं अगर वो सी में ट्रैवल करती हैं तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करते हैं और सही क्या होना चाहिए तो बोट्स कहाँ ट्रैवल करते हैं पोम में बोट्स जो हैं स्ट्रीट्स पे ट्रैवल करते हैं और एक्चुअली क्या होना चाहिए बोट्स को सी में ट्रैवल करना चाहिए और बसेस को लैंड में ट्रैवल करना चाहिए स्ट्रीट्स में ट्रैवल करना चाहिए इन द पोम बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती हैं और एक्चुअल में क्या होना चाहिए दे शुड ट्रैवल ऑन द सी

तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन था और ये हमने कर लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे अब हमारे पास ये बहुत सारे वर्ड्स हैं ठीक है ठीके? इन वर्ड्स का प्रनाउंसिएशन हमें समझना है प्ले श्योर ये जो श्योर है ये श्योर प्लेजर ट्रेजर मेजर ठीक है वेर इट्स नॉट व्योर वेर टेर

नेक्स्ट क्या है अनूम हर ऑलवेज इज सो क्या हो जाएगा हर रूम इज ऑलवेज एन टाइडी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट सो यहाँ पे हमें हर है कैपिटल में सो हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट नेदर टू शी ने

अब हम बात कर रहे हैं कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टर्वी एट होम एंड देर इज डिसऑर्डर अब हमें क्या बताना है कि क्या आप घर में ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताते हो जो बता सकते हो जो उल्टा पुल्टा हो जाता है टर्वी हो जाता है टोटल डिसऑर्डर होता है वहां पे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो द थिंग्स दैट गो टॉप होम आर योर वार्ड रोब लुक्स लाइक अ बैटल फील्ड इफ नॉट अरेज प्रॉपरली कितने लोगों की अलमारी ऐसे खोलो तो आधे कपड़े ऊपर आ जाते हैं ऐसा लगता है एक बैटल फील्ड है जिसमें सारे कपड़े एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी जगह है नहीं ये मेरी जगह सब बाहर आना चाहते हैं वहां से द कीज आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड यू लुक फॉर देम एवरीवेयर हम आते हैं और चाबी कहीं रख देते हैं और बाद में और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता मम्मा पापा के साथ भी होता है और फिर चाबी यहीं रखी थी अरे मैंने चाबी रखी थी सब लोग ढूंढते रह जाते हैं तो अगर हम चाबी को सही प्लेस पर नहीं रह सकते तो ये भी होता है नेक्स्ट क्या होता है इज लाइंग अंडर द बेड एंड द अदर इज इन द शू रैक यू गो क्रेजी लुकिंग फॉर द वन एक आपका शू रैक में होता है और आप ढूंढते रहते हो अरे यार वो शू नहीं मिल रहा बाद में पता चलता है वो बेड के नीचे पड़ा हुआ था तो दैट इज ऑल्सो वेरी मेसी यू डोंट अरेंज योर बुक्स यू डोंट फाइंड them when इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल कितनी बार ऐसा हुआ है जब अपन स्कूल जाते थे और अपन को बैग जमाना होता था होमवर्क कॉपी नहीं मिलती थी क्यों क्योंकि होमवर्क करके हमने जगह पे नहीं रखी अब हमारी होमवर्क नोटबुक नहीं मिल रही है या साइंस नोटबुक नहीं मिल रही है या कोई मैथ्स की बुक नहीं मिल रही है एंड पूरा घर हमने आतंक मचा रखा है सो ऑल दीज थिंग्स हैपन इफ़ यू आर नॉट ऑर्गनाइज एंड योर होम बिकम्स अ टॉप सीट ऑफ लैंड

शेल्फ है book shelf है, आपके decorative items का shelf है, या आपके कपड़ों का शेल्फ है सबको प्रॉपरली अरेंज करके रखना है शूज शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज इन द शू रैक शूज को भाई उनके लिए एक जगह दी गई है शू रैक है वहीं रखा करो टॉयलेट शुड बी प्रॉपरली क्लीन आ वेरी तो टॉयलेट्स आपके हमेशा क्लीन होने चाहिए

अब दिन के टाइम पे लोग सब सो रहे थे As soon as the sun set, everyone got up. जैसे ही सन सेट हो गया जैसे ही रात हो गई सब उठ गए मस्त एकदम Children had their bath. रात में बच्चे नहा रहे थे Grandfather prepared their breakfast. मम्मा नहीं बना रही थी ग्रैंडफादर बना रहे थे Teachers came in the playground. और कोई स्कूल नहीं गया सब प्ले ग्राउंड में आ गए All the bazaar opened. रात को सारे बाजार खुल गए खूब सारा काम सामान खरीदा लेकिन कुछ के लिए भी पे नहीं किया आह, ऐसा हो सकता है अब आप अपनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हो जैसे कि मैम ने बोला नो बडी विल डू योर होमवर्क अदरवाइज यूट अ पनिशमेंट ओके ऐसा हुआ तो कोई होमवर्क ही नहीं हुआ तो हाय, क्या जिंदगी हो जाएगी अब हम अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में टू स्टोरी गॉट मेक्सडअप

तो पहली हमारे पास है मैजिक काइट और दूसरा है who did the lion eat? तो अब हम ब्रांड न्यू काइट इन पूरन जो था उसके पास एकदम नई सी काइट थी वो उसको फ्लाई कर रहा था सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स

और फाइनली जो काइट थी जो मैजिक काइट थी वो उसको पार्क में वापस लेके आ गई तो ये एक स्टोरी हो गई। अब हमारी दूसरी स्टोरी क्या है? तो ज़ू गए थे, हमारी पूरी क्लास जू गई थी जहां पे हमने लायन के केज में एक शू देखा वी थॉट द someone। हमें क्या लगा ये पक्का किसी को खा गया है सम चिल्ड्रीम्ड एंड समू द डायरेक्टर ऑफ द जू कुछ बच्चे वहां पे खड़े होकर चिल्लाने लग गए और कुछ जो थे जू के डायरेक्टर की तरफ भागे द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज़ द शू वाज वन ऑफ द लायनस टॉयज लायन ने किसी को नहीं खाया था वो तो खेल रहा था और वो जो शू था वो उसका टॉय था so here we are done with this story as well and we are done with this poem i hope you liked it topsy-turvy land apne ghar ko topsy-turvy land mad banana apne ghar ko normal ghar hai dena hala likin kabhi chalta okay so on this note we are done with this poem and in our next video we are going to start a chapter which is very fun a lot of fun i'm going to see you soon take care bye-bye